मैं अमित पांडे और आप देख रहे हैं अमित टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक लैपल माइक का, जो कि अमेजोन से मैंने मंगवाया है। 375 रुपीज का पड़ा है ये। तो चलिए देखते हैं उसके अंदर क्या है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। एक नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छा, उस पर मैंने फीडबैक देखा था तो उसका अच्छा फीडबैक था। तो एक नए यूट्यूबर के लिए कैसा रहेगा आज हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, आप उसको देखिए। देखने के बाद हम आवाज़ भी कंपेयर करेंगे। अभी हम बिना माइक का बोल रहे हैं, देखिए ये जो रिकॉर्डिंग है बिना माइक की है। उसके बाद हम माइक लगा के बोलेंगे, दोनों में क्या कंपेरिजन देख आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसका देखते हैं कैसे क्या है, उसके अंदर क्या है, क्या क्या मिला है हमें। वो 375 में मिला है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास अमेजोन से आया हुआ है, ये अमेजोन से मैंने मंगाया, इसे 375 में मिला है ये। इसकी अब हम क्या करते हैं, खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए मैंने इसे फाड़ दिया। फाड़ने के बाद ये देखिए इस पे स्टिकर वगैरह लगा हुआ है नॉर्मल, ये और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका एक बिल है, बिल को भी फाड़ के देखते हैं अंदर में क्या है। तो ये बिल में देखिए जो है ये बिल है, बिल में इसका देखिए प्राइस है, प्राइस जो है 375 रुपये लिया है। इसको हम अलग रख देते हैं, इसके बाद खोलते हैं। तो खोलने के बाद देखते हैं क्या है इसमें। तो अंदर में यही है, बस यही एक बैग है देखिए, और तो कुछ नहीं है, बस एक बैग है छोटा सा। हमें लगा था डब्बे उब्बे में देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल सा बैग है। बैग के अंदर क्या है, ये बैग के अंदर एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक में नॉर्मल इसको डाल दिया है। इसका देखिए मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जेनेरिक E57000455। हाँ ये देखिए इसका मॉडल नंबर है, ये जेनेरिक E57000455 ठीक है, इस तरह से ये इसका मॉडल नंबर है। अब इसको अंदर हम करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कैसा है, ये कितना बड़ा है। तो इसको देखिए प्लास्टिक को हम खोलते हैं। खोलने के बाद और तो कुछ इसमें है नहीं, ये देखिए पूरा पैक है, ये पैक ये देखिए निकाल दिए। ये फाइनली मेरा ये है माइक, लैपल माइक है देखिए, इस तरह का है, ये केबल से बंधा हुआ है। इसको निकालते हैं, निकालने के बाद देखते हैं कितना बड़ा केबल है, कैसी क्वालिटी है इसकी। तो क्वालिटी तो केबल की ठीक लग रही है, केबल थोड़ा मोटा है, अच्छा है, और उतना पतला तो नहीं है, मतलब चल सकता है ये। और इसकी लेंथ हम देखें तो करीब लेंथ जो है हमारा 2 मीटर के करीब है, ये लेंथ पूरा 2 मीटर है, 1.5 मीटर के करीब है, 3-4 फुट लगभग है। और इस तरह से ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसे क्लिप क्लिप दिया हुआ है। और ये मेरा मेन है हेडफोन, जो माइक है ये इसके अंदर ये लगा हुआ है नॉइज को फिल्टर करने के लिए। और इसके बाद ये मेरा पिन है, देखिए 3.5 mm का जैक है, और केबल भी ठीक ठाक है। अब इस तरह इसका हम टेस्टिंग करते हैं कैसे काम करता है। इसके बाद अभी देखिए हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो नॉर्मल बिना माइक का कर रहे हैं, इसको लगाने के बाद करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये देखिए है यहाँ पे, अब इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए मेरा माइक है, एक मेरे पास फोन है, हम इसको जो है टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका कैसा काम कर रहा है ये। तो ये जो है इसको हम करके देखते हैं। तो जो है ये हम इसको इसमें लगा दिए, लगाने के बाद हम इसकी क्या करते हैं, सबसे पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग करके देखते हैं कैसा आता है। तो हम जाते हैं इसमें और ये देखते हैं रिकॉर्ड करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, हेलो हेलो। देखिए ये मेरा रिकॉर्ड हो गया है, हम इसमें क्या करते हैं सुनते हैं कि कैसा रिकॉर्ड हुआ है। तो देखिए क्या क्वालिटी है इसकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, हेलो हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, हेलो हेलो। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, नॉइज फ्री रिकॉर्डिंग हो रही है। ऑडियो तो मैंने देख लिया, अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसके कैमरे में डालते हैं और कैमरे में देखते हैं कि कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं होती है। तो ये मेरे पास जो है मेरे सेट का डिफॉल्ट कैमरा है, इसको मैंने ओपन कर लिया है और इस कैमरे में हम कुछ बोलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हेलो 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 हेलो। तो इस तरह से ये इसमें भी काम कर रहा है, लेकिन जो है उतना अच्छा हमें नहीं लगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं ओपन कैमरा।
तो ओपन कैमरा में हम इसको जो है मैंने इंस्टॉल किया था वो अच्छा है, उसमें देख करके देखते हैं कि क्या होता है, कैसा परफॉर्मेंस है। तो इस ओपन कैमरे के लिए हम अपने ही फोन में जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें हम लगा के और देखते हैं कि क्या आता है, तो आप कंपेयर करके बताइएगा। देखिए अभी हम जो है उसमें फोन में लगा दिए हैं, तो आप कंपेयर कीजिए कि जो पहले हम बोल रहे थे बिना माइक का और अभी जो हम बोल रहे हैं माइक लगा के, दोनों में क्या अंतर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक माइक की क्या जरूरत है, किस तरह से, और ये किस टाइप का माइक है, कितना इसकी क्वालिटी क्या है, कैसी है। तो आप जो भी, आपको जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे अगर हम बिना माइक का बोल रहे थे उसमें एक्सटर्नल नॉइज बहुत ज्यादा थे, अभी लगाने के बाद जो है नॉइज कम हो गया है। और ये जो अभी हम इसे रखे हैं, इस माइक को वो अपने कॉलर फर्स्ट बटन के पास रखे हैं शर्ट के, तो इस तरह से ये थोड़ा दूर से भी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, इसकी क्वालिटी हमें अच्छी लग रही है। तो इतने सस्ते में 375 में ये बहुत अच्छा सा माइक है। आप एक यूट्यूबर के लिए, जो नए यूट्यूबर हैं बिगनिंग में, अच्छा अपना इसे रख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। तो और आप कैसा, आपको क्या लगता है आप जरूर लिखिएगा, तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि आप जो सुने, लोग सुनते हैं तभी उसका फीडबैक मिलता है। तो इस तरह से आप भी इसको लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लीजिए, यूज कीजिए और बताइए क्या है। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।